लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। हमारे पूरे पैर में कीचड़ लग गया। देखिए आपके परिवार के नाम पर बट्टा लगाने पे तुलिए ये लड़की आप ही के बेटे से। मम्मी इनकी कुंडली तो मिला ही नहीं। क्या जरूरत है कुंडली मिलवाने की, शादी तो हमें सृष्टि से ही करनी है ना। देखो बेटा सार्थक, दादी जो है वो केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है उसमें। कल्याणी शाम को पंडित जी को बुला लेना, ठीक है जी। अब तुम दोनों जाओ और नाश्ता तैयार करो। हाँ चलो मम्मी चलो। ठीक, थोड़े से बच्चे बड़े का हो गए, माँ बाप को तो बेवकूफ समझ लेते हैं। बैठो। पापा आपने भी मम्मी की बात मान ली, मतलब आप तो। देखो बेटा तुम्हारी शादी तो सृष्टि से ही होनी है, ठीक है। तो फिर अगर तुम्हारी मम्मी कुंडली मिलवा के अपनी तसल्ली करना चाहती है तो कर लेने दो भाई, उनको भी तो लगना चाहिए कि बेटे की शादी में उनका भी कुछ योगदान है, इससे वो भी खुश और हम भी खुश। एक बात बताओ, इस सब में आप इतने शांत कैसे रह लेते हो? केवल एक ही मूल मंत्र है बेटा। क्या? शादी के बाद बीवी की हर बात में हाँ मिलाते जाओ, झगड़े का कोई झंझट ही नहीं। करेले की सब्जी बना रहे हैं, खा लेंगे ना? अब हाँ हम तो सब कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ कहा है? चुप चुप चुप। और हाँ रही बात कुंडली की, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करो, कुंडली के सारे गुण अपने आप मिल जाएंगे। चाय पी लीजिए, ठंडी हो गई है। दादी अभी कुंडली बीच में कहां से आ गई? अजीब दिक्कत है, हमारे लिए तो एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी सर पर आकर बैठ जाती है पहले। अब इसमें क्या परेशानी है सृष्टि, कुंडली मिलाना तो हमारी रीत है। कैसी रीत माँ, जिसमें किसी की खुशी का कोई लेना देना ही नहीं। मतलब अगर कुंडली नहीं मिली तो शादी के आंसर? अब हम ना तुमसे बहस नहीं करना चाहते, और वैसे भी ना बेटा ये प्रस्ताव हमारा नहीं है, सार्थक की मम्मी ने हमें फोन किया था, हमें उनकी बात सही लगी इसलिए हमने हामी भर दी। काहे बेकार में अपना खून जला रही है बिटिया, काहे सोचती है कि नहीं मिलेगी, सब सही होगा, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमारा भी बुरा नहीं होगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। मम्मी जी पंडित जी आ गए, ठीक है हम अभी आते हैं। चल बेटा हम लोग बाहर चलते हैं। आज हे माता रानी, कुंडली में कोई ऐसा खोट निकाल दो कि ये शादी हो ही ना पाए, हमारी मन्नत पूरी कर दो, हम नंगे पांव आपके मंदिर की 1008 परिक्रमा करेंगे। क्या बात है पंडित जी, आप कुछ बोल नहीं रहे? क्या बताएं जजमान, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहें जजमान, इन दोनों की कुंडली में तो 5 गुण भी नहीं मिल रहे हैं। और कम से कम विवाह के लिए 36 गुण में 18 गुण मिलना बहुत आवश्यक है, और कम से कम 18 ना मिले तो 11 गुण तो मिलना चाहिए, और 11 गुण भी नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में ये विवाह कैसे संभव है? अरे पंडित जी ऐसे कैसे संभव नहीं, और कौन से गुण नहीं मिल रहे? मतलब बचपन से लेकर आज तक हमारे सारे गुण मिलते आए हैं, इसीलिए तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, हमारे बीच प्यार है। बेटा ये ग्रह नक्षत्र के योग है,
ये कोई स्वभाव नहीं कि मिलने से मिल जाता है। पर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए स्वभाव का मिलना तो ज्यादा जरूरी है ना। पर अगर स्वभाव मिलता है तो फिर ये गुणों को मिलाने की क्या जरूरत है। हाँ बेटा, ग्रह नक्षत्रों का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है जिसका असर केवल आप पर नहीं पूरे परिवार पर हो सकता है और इससे किसी को हानि भी हो सकती है। पापा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें कोई कुंडली नहीं दिखवानी। अरे जिन ग्रह नक्षत्रों के बारे में हम कुछ अता पता नहीं है वो हमारा भविष्य, हमारा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इतना ही काफी है। देखिए, हम आप सबसे विनती करते, हम इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारी और सृष्टि की शादी होकर रहेगी। बस अरे ऐसे कैसे फरमान सुना रहे हो तुम? हाँ, अपने स्वार्थ के चक्कर में सारे परिवार को कष्ट में डालोगे का? जब पंडित जी कह रहे हैं तो कोनो कारण होगा तभी ना कह रहे होंगे। मम्मी, अगर आप सब लोग मिलकर फैसला लेंगे हमारे लिए तो हमें फर्क पड़ेगा, लेकिन पंडित जी इनको हम ढंग से जानते भी नहीं, ये अगर हमारे भविष्य का फैसला करेंगे तो हमें जरूर फर्क पड़ेगा। हम केवल इतना जानते हैं कि सृष्टि और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं। सार्थक बेटा, कैसे दिक्कत नहीं है? आज तुम दोनों के साथ आने पर इतना कुछ हो गया तो कल को शादी के बाद और भी मुसीबतें हो सकती है ना। माँ, जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ ना, इसमें कुंडली बीच में कहाँ से आ गई? ये सब कुंडली की वजह से ही हो रहा है बेटा, तुम नहीं समझोगी। क्या नहीं समझेंगे माँ? इंसान की गलतियों का दोष आप ग्रहों पे डालेंगे तो कैसे चलेगा? इंसान से ऐसी गलतियां होती ही तब है जब उनके ग्रह ठीक नहीं होते, पर आज इतना सब कुछ हो गया है तो कल शादी के बाद दिक्कतें तो 10 गुना और बढ़ जाएंगी। नहीं नहीं, इतना कुछ जानने के बाद हम शादी के लिए हाँ नहीं कर पाएंगे। अरे बहन जी, हम कौन सा हाँ करने वाले हैं? जानबूझ के मक्खी कौन निकलता है बताइए। भारती, ये कुंडली वगैरह। अरे आप तो रहने ही दीजिए, पंडिताई मत झाड़िए, पंडित जी बैठे हैं ना यहाँ पे। लगता है माता रानी ने हमारी पुकार सुन ली। पंडित जी, आपको सत सत नमन, बहुत बड़ा काम कर दिए आप हमरा। अरे पंडित जी, और रुकिए, अरे ये सवारी कहाँ जा रही है सवेरे सवेरे? बस आप ही कॉलोनी में जा रहे हैं, आप यहाँ काहे खड़ी हैं? आप ही की कृपा है। कहाँ है ना, ऐसे घर में हमारे रिश्ता कराए कि रास्ते पर खड़े रहने की नौबत आ गई, पति जो छोड़ के चले गए। कोनो बात नहीं पंडित जी, ये तो बहुत ही पुरानी बात है, छोड़िए ना। इससे एक बात बताइए, ये जजमान गिरी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है का? नहीं फटफटिया लिए हैं? हम भी जानते हैं पंडित जी, ये छोटी मोटी दक्षिणा से काम नहीं होता है ना। बस बस, ये सब जजमानों की ही कृपा है। हाँ हाँ, अच्छा हम हमारी कॉलोनी में जा रहे हैं ना, हमें भी छोड़ दीजिए ना। आइए बैठ जाइए। अरे पंडित जी, फटफटिया बहुत ही बढ़िया लिए हैं। अब
अच्छा हुआ पंडित जी दक्षिणा लेकर पलटते नहीं और हमरा काम कर दिए। ये घमासान देखकर तो लग रहा है ये रिश्ता टूटना पक्का है। सार्थक बिटवा और सृष्टि, तुम दोनों अभी बच्चे हो, अपने जिंदगी के तजुर्बे से तुम दोनों को बता रहे हैं। एक खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए कुंडली का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अब देखो हमारे और इनके भी 24 गुण मिले थे। अब शादी को इतने साल हो गए लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई है। और माँ, जिनकी शादियां गुण मिलाकर होती हैं और फिर भी टूट जाती हैं, उनका क्या? इसकी भैंस की टांग हमें ताना दे रही है का? अभी करे बवाल। और यही कारण है कि लोग आजकल भागकर शादी कर लेते। अच्छा, तो आप बिटुआ भागने की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ, और नहीं तो क्या मम्मी, आप सब लोग जैसी बातें कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही क्या बचता है? ले, अगर ई भाग गया तो और मुसीबत, फिर तो पक्का ही हमारा जीवन नष्ट है। पंडित जी एक बात बताइए, ये 5 गुण मिलने से दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है जजमान। अरे लड़का लड़की के विचार नहीं मिलेंगे, हमेशा आपस में अनबन बनी रहेगी, बीमार रहेंगे, इनके जीवन में प्रगति नहीं होगी, इनके सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे। सुन रहे हो बिटवा? हाँ, एक मिनट पंडित जी, समस्याएं मत सुझाओ, कुंडली का दोष कैसे भगाए ये बताओ। हाँ पंडित जी, ग्रह नक्षत्रों का मेल बिठाने के उपाय भी तो होते हैं, वो बताइए ना आप। जी ये बताइए पंडित जी। हाँ, उपाय तो है, यदि आज शाम को ग्रह शांति पूजा हो जाए तो बात बन सकती है। पंडित जी, फिर कोनो दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, आज शाम को इसी घर पे पूजा करवा लेते हैं। हाँ हाँ भाई साहब, करा लीजिए। माफ कीजिएगा जजमान, तो ये पूजा तो लड़के के घर में ही होगी, क्योंकि लड़की को ब्याह के तो उसके घर में ही जाना है। हाँ तो ठीक है पंडित जी, पूजा की तैयारी हम अपने घर में कर लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, हम सब भी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है फिर। आप तो खुश है ना सार्थक? मैंने सत्येंद्र को और उसके परिवार को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की, पर अब मेरी बेटी सत्येंद्र की घर की बहू बनने वाली है। मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है, और मुझे अपनी बच्ची की खुशी में दिल से शामिल होना है। पूजा की तैयारी होगी पर पूजा नहीं, क्योंकि सृष्टि पहुंच भेर नहीं करेगी पूजा के लिए। अब तो पहाड़ तोड़ लाओ सृष्टि, पर तुम्हारी शादी अपने भाई से होने नहीं देंगे हम।
ऐसा हाल करेंगे ना तुमरा कि हमार घर वाले छोड़ो, तुम्हारे अपने घर वाले बाहर निकाल देंगे तुम्हें, और हमरी मम्मी तो तुम्हारी साया भी नहीं पड़ने देगी अपने घर पे, ऐसा भरेंगे उन्हें। जी सत्येंद्र जी बोलिए। सर वो पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है। जी आप शुरू कीजिए, बस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले। लेकिन सर बिना सृष्टि बिटिया के पूजा कैसे? पर सृष्टि तो 15 मिनट पहले यहाँ से निकल चुकी है, वो वहां पहुंची नहीं क्या? नहीं वो तो अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है हम देखते हैं। क्या हुआ बाबा? सृष्टि बिटिया तो घर से 15 मिनट पहले ही निकल चुकी, फिर यहाँ कैसे नहीं पहुंची? 15 मिनट पहले निकल गई तो कहाँ जा सकती है? प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी। ए यस, ये लीजिए। ये लीजिए पंडित जी। लीजिए पंडित जी, आपने जो जो सामग्री लिख के दी थी वो हम सारी ले आए। अरे ये चादर कहाँ ऐसे बिखरी पड़ी है? अरे ओ फुलवा, अरे जल्दी यहाँ आओ, चादर ठीक करो, कैसे हो रही है? मम्मी हाँ? तुम इधर आओ बैठो। क्या हुआ? मम्मी जितनी मेहनत कर लो ये सब बर्बाद होने वाला है। हाँ काहे? काहे की तुम्हारी जो नई बहुरी आए ना, वो ना ही आएगी पूजा में। कुछ भी? कुछ भी का? हम कह रहे हैं उसे कोई दिलचस्पी नहीं है एक कुंडली बुंडली में, वो तो आप लोग सामने थे ना इसलिए हामी भर दी उसने। इसे भी उसे तो पता है सार्थक उसकी मुट्ठी में है, मुट्ठी में। खुद भी तो भागने भुगने की बात कर रहा था, एक बार ना कह देगी ना सार्थक उसको उड़ा कर लेकर जाएगा। काहे माता खपाएगी पूजा वूजा में बताओ? कल्याणी बेकार की बातें ना करो। सृष्टि के कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। हमें सृष्टि बिटिया पर पूरा विश्वास है, वो जरूर आएगी। हम भी यही चाहते हैं पापा, लेकिन का करे दिल गवाही नहीं दे रहा, क्योंकि हमारा दिमाग उसे रोकने की योजना बना चुका है। हाय हाय, कैसा मेकअप करवाना है आपको? हमारी शादी की पूजा है तो आप कुछ अपने हिसाब से अच्छा कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, आइए बेटी। आप आगे बंद कर लीजिए। रास्ते मिल गए हम दोनों के इस तरह, मंजिले थी ना पता मुझे और तू जानता हर एक राह। आ साथ तू मिलकर बनाए सपनों का एक जहां, पढ़ लेना तू बातें ये सारी मेरा दिल कह रहा। मैम आप अपनी आंखें खोल सकती है, मेकअप इज रेडी। वाओ थैंक यू, बहुत अच्छा मेकअप किया है आपने, परफेक्ट, हमें ऐसा ही चाहिए था। मैम मैंने नहीं किया, इन्होंने मुझसे करवाया। सार्थक? सार्थक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। वैसे एक बात कहें, आज की रात ना हमसे नाराज होकर पूछेगी कि तुम्हारा चांद हमारे चांद से इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है। हमारी खूबसूरती बिल्कुल फीकी है अगर इसमें तुम्हारी मोहब्बत की मिलावट ना हो। हाय हाय, आजकल तो मतलब आप भी लगता है हमारी शेरो शायरी का असर होने लगा है आप पर। तुम हो इतने कमाल, तुम्हारी आदतों की हमें भी आदत होने लगी है। अच्छा जी। वैसे एक बात बताओ, पढ़ाई लिखाई, शेरो शायरी और अब मेकअप भी, मतलब इतना सारा टैलेंट भरा है आपके अंदर। हाँ
प्यार करते हैं ना आपसे, प्यार में आदमी बहुत कुछ करता है। और वैसे भी अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है हमारे बारे में, आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे हम लग कैसे रहे हैं? बहुत सुंदर। जी सत्येंद्र जी बोलिए। सर वो पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है। जी आप शुरू कीजिए, बस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले। लेकिन सर बिना सृष्टि बिटिया के पूजा कैसे? पर सृष्टि तो 15 मिनट पहले यहाँ से निकल चुकी है, वो वहां पहुंची नहीं क्या? नहीं वो तो अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है हम देखते हैं। क्या हुआ पापा? सृष्टि बिटिया तो घर से 15 मिनट पहले ही निकल चुकी, फिर यहाँ कैसे नहीं पहुंची? 15 मिनट पहले निकल गई तो कहाँ जा सकती है? पूजा हो रही है। अरे बेटा तुम्हारे सार्थक मामा और सृष्टि दीदी की शादी होने वाली है, ये उसी की पूजा है। तो सृष्टि दीदी का देखा, अब तो यश भी पूछ रहा है सृष्टि कहाँ है। यजमान पूजा की संपूर्ण तैयारी हो चुकी है और मुहूर्त भी बीता जा रहा है, आप सृष्टि के घर वालों को कहिए कि वो उसे लेकर के आए। जी पंडित जी। पंडित जी वो बड़े लोग हैं, उन्हें वक्त लगता है। सत्येंद्र जी का फोन। जी सत्येंद्र जी बोलिए। सर वो पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त का समय हो गया है, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस आप सभी लोगों का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जी आप शुरू कीजिए, बस हम 5 मिनट में पहुंचने वाले। लेकिन सर बिना सृष्टि बिटिया के पूजा कैसे? पर सृष्टि तो 15 मिनट पहले यहां से निकल चुकी है, वो वहां पहुंची नहीं क्या? नहीं वो तो अभी तक नहीं पहुंची। ठीक है हम देखते हैं। सृष्टि पहुंची नहीं वहां। क्या हुआ पापा? सृष्टि बिटिया तो घर से 15 मिनट पहले ही निकल चुकी, फिर यहाँ कैसे नहीं पहुंची? 15 मिनट पहले निकल गई तो कहाँ जा सकती है? कहाँ था ना मम्मी, वो नहीं आएगी, कोनो बहाना जरूर मारेगी देख लेना। एक काम कीजिए आप दोबारा फोन कीजिए। अरे बेटा अभी तो फोन लगाया था। इतनी आसानी से नहीं आ पाएगी वो यहाँ सार्थक, सृष्टि का उस बिल्डिंग से लेकर इस बिल्डिंग तक का सफर बहुत ही लंबा है, क्योंकि हम उसके रास्ते में खड़े हैं। पापा सृष्टि का फोन नहीं मिल रहा, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में, वरना वो ऐसा तो कभी नहीं करती। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, आप पुलिस पे खबर कर दीजिए ना। जजमान आपको जो भी करना जल्दी कीजिए, मुहूर्त समाप्त होने में मात्र आधा घंटा बचा है, इसके बाद इस पूजा कोई महत्व नहीं होगा। आज अगर इस शांति पूजा के मुहूर्त से पहले पहले सृष्टि बिटिया नहीं आ पाए ना, तो ई बिहान नहीं हो पाए।